Hi everyone, I hope you all are doing great. So in today's tutorial, we are going to make 4 amazing DIY for coming Diwali. So if you are new to our channel, my name is Kanchan, do subscribe, and without any further ado, let's begin the video. सो फर्स्ट DIY में वी आर गोइंग टू मेक लोटस हैंगिंग, जो आपने बहुत देखा होगा दिवाली में या डेकोरेशन में लगता है. तो इसके बेस के लिए हम ले लेंगे एक न्यूज़पेपर और इसको हम एक बर्ड का इस तरह से शेप दे देंगे, जैसे कमल का फूल जब बंद होता है तो हमें वही वाली शेप इसमें बनानी है. फिर मैंने लिया है ये क्रेप पेपर विच इज़ स्ट्रेचेबल समथिंग लाइक दिस. तो इससे ना हमारी फ्लावर्स के पेटल वगैरह बहुत ही सुंदर बनते हैं और कोई भी आप शेप देंगे ना तो ये आराम से मुड़ जाते हैं. सो इस तरह से रैंडमली मैंने ये पेटल कट कर लिए हैं और इनको फिर जो हमारा बेस है जो हमने न्यूज़पेपर से बनाया है उसमें हम धीरे धीरे स्टिक कर लेंगे. सबसे पहले बेस लगाएंगे और उसके ऊपर आप उसको कवर करते जाइए. 3-4 नीचे लगाइए और 3-4 ऊपर लगा के इसको अच्छे से आप सील कर दीजिए. यहाँ पर मैंने लिया है हॉट ग्लू गन इसको स्टिक करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है. अगर ग्लू से करते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको सूखने में और फिर वो तब तक खुल जाते. सो बेटर इफ़ यू हैव हॉट ग्लू गन, यू कैन यूज़ इट हियर. और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए थोड़ा कलर कर लिया और एकदम एब्सोल्युटली ये रियल कमल का फूल लग रहा है. फिर इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ले लिया है ग्रीन कलर का, सेम क्रेप पेपर ही मैंने यहाँ सारा यूज़ किया बिकॉज वो बहुत ईजिली मूव कर जाता है. इफ़ यू डोंट हैव दैट यू कैन टेक एनी पेपर यू हैव. इसमें फोम शीट से भी काफ़ी सुंदर बनता है, तो आपके पास कोई भी पेपर है आप इससे इसको बना सकते हैं. तो धीरे धीरे करके आप इसमें ऐड ऑन करते जाइए. हियर एज यू कैन सी मैंने ग्रीन लिया है, फिर पर्ल्स लिए हैं, फिर दोबारा मैंने ग्रीन कलर से इसको फिनिश कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक वाइट क्रेप पेपर. तो यहाँ पर मुझे वाइट, मतलब मुझे चाहिए था ऑफ वाइट, बट मुझे बिल्कुल वैसा नहीं मिला. सो आई इज़ लाइक ठीक है, इट्स ओके, मैं वाइट से ही काम चला लूँगी. बाद में मैंने इसको हल्का सा इसके ऊपर क्रीम कलर किया है. इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्रेप पेपर को मोड़ के और फिर इसे साइड में कट कर लेना है. जब आप इसे पूरा धागे में पिरो लेते हैं उसके बाद आपको इसको इस तरह से एक ही साइड में गोल 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 घुमाना है. व्हेन यू ट्विस्ट इट लाइक दैट वो एक फ्लावर का शेप कुछ इस तरह से ले लेता है. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग. और आप इसे काफ़ी बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं. आप इसे जितना पास करेंगे उतना छोटा होगा, और अगर आप पेपर को, क्रेप पेपर को जितना दूर दूर करेंगे ना तो उतना और आप इसे लंबा भी बना सकते हैं. तो इस तरह से ही हो जाता है फिनिश. मैं फ्लावर को भी थोड़ा सा फिनिश कर लूँगी बिकॉज दिस इज़ क्रेप पेपर, स्ट्रेचेबल है तो काफ़ी ब्यूटिफुल आप इसे लुक दे सकते हैं. सो बेस एंड एवरीथिंग इज़ डन. नाउ मैं थोड़ा सा इसे इन्हांस करूँगी. एज आई टोल्ड यू, मुझे वाइट अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसमें हल्का सा क्रीमिश कलर दिया है. इफ़ यू डोंट want to do that, you can absolutely skip this part, but see, can you see the difference? Beautiful it is, right? Last में मैंने इसको finish करने के लिए ये नीचे मोती लगा लिए हैं and this is how our beautiful wall hanging is looking. अगर आप इसे market से लेंगे ना, it's so expensive right now. अगर आप इसे घर पर बनाएंगे hardly आपका 50-60 रुपये में बन जाएगा. So do let me know आपको ये wall hanging कैसा लगा. नेक्स्ट DIY हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सी डेकोपाज की ट्रे. एज़ यू नो मुझे डेकोपाज बहुत पसंद है और हर बार मैं कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ. और इसमें भी हमने सेम ट्रे ले ली है, ट्रेज फ्रॉम इट्सी बिट्सी. और फिर बेस में हम लगा लेंगे जैसो, फिर वाइट कलर. ठीक है, बेस हमारा एक बार रेडी हो जाता है. फिर मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल सा मोर का डिज़ाइन, ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है एंड देन वी आर गोइंग टू स्टिक इट ऑन आर ट्रे. इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, आई एम टेलिंग यू. और इसको मैं बहुत ही सिंपल रखूँगी, मैं इसमें बहुत सारा डिज़ाइन वगैरह नहीं करने वाली. एकदम मिनिमलिस्ट ट्रे लगने वाली है ये. तो इस तरह से जब हम अपने पेपर को स्टिक कर लेते हैं बेस पे, स्टिक करते वक्त ध्यान रखना कि पेपर में बीच में बबल्स ना आए. और फिर हम इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे, इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे और फिर जितने भी मोर के पंख हैं उनको हल्का सा इन्हांस कर लेंगे. यहाँ पर हम यूजिंग मॉन मार्टर के कलर्स, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. एज यू कैन सी यू रियली डोंट हैव टू मिक्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, यू हैव ऑल द कलर्स. और इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दैट. और इसका मैंने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है, दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट मे बी लेटर आफ्टर दिवाली. सो एक बार हमारा बेस रेडी हो जाता है, हमने सारा बेस इन्हांस कर लिया है. साइड में मैं अंदर की तरफ करूँगी पिस्ता ग्रीन कलर और बाहर की तरफ मैं करूँगी येलो कलर. सो सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग. नाउ आई थॉट टू फिनिश इट विद रेजन. रेजन मैंने यहाँ लिया है रेजन बाज़ार का. आई हैव रिसेंटली रिसीव देयर प्रोडक्ट्स एंड दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. तो इनका जो रेजन है उसका रेशियो है 3:1. 3:1 मतलब आपको 3 लेना है रेजन और 1 लेना है हार्डनर. तो यहाँ जो मैंने प्रोपोर्शन लिया था दैट
दैट वाज 50 मैंने लिया था हार्डनर और 150 मैंने लिया था रेजिन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स करके लगा लीजिए, मैंने ये ट्रे के ऊपर डाल दिया एंड दिस रेजिन इज़ सो गुड, इसमें बहुत सारे बबल्स भी नहीं आए, आराम से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया एंड यू हैव टू लीव इट फॉर लाइक 1 to 2 days टू कम्प्लीटली ड्राई एंड दिस इज़ हाउ आर ब्यूटिफुल ट्रे इज़ लुकिंग। अब इसके साइड में मैंने थोड़ा ऐसे गोल्ड कलर से हाईलाइट कर दिया है एंड दैट्स इट, दिस इज़ हाउ आर ब्यूटिफुल ट्रे इज़ लुकिंग। डू लेट मी नो आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट DIY में हम बनाएंगे झरोखा, उसके अंदर लिखेंगे हम शुभ और लाभ। सो इसके लिए मैंने ये एक परफ्यूम का बॉक्स लिया है, इसमें हमें कुछ खास करना नहीं है क्योंकि बॉक्स एज इट इज़ वेरी नाइस एंड स्टर्डी। तो ऊपर से सिर्फ हमने एक झरोखी का जिस तरह से खिड़की होती है ना, उस तरह से हमने इसे कट कर लेना है और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बेसिक जेसो। आप यहाँ पर होममेड चीज़ें भी ले सकते हैं, जो वॉल पुट्टी वगैरह से बनता है ना, आप वैसा भी बना सकते हैं, पर मेरे पास जेसो पड़ा था तो मैंने वही लगा लिया। और फिर मैंने इसके ऊपर येलो कलर लगा लिया है, येलो कलर में मैंने यहाँ मॉन्टमार्टर के कलर लिए हैं, यू कैन टेक एनी कलर्स यू हैव। फिर मैंने यहाँ पर साइड में मिरर लगा लिया है क्योंकि दिवाली है, दिवाली में हमें शाइनी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चीज़ें लगानी है, तो यहाँ मैंने इस तरह से लगा लिया है मिरर और फिर अंदर की तरफ मैं करूँगी रेड कलर। फिर शुभ लाभ लिखने के लिए मैंने एक छोटे से ये कार्डबोर्ड लिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के साइज़ के हैं और इसके ऊपर मैंने लगा लिया है मेटालिक कलर। वो सूख जाने के बाद मैंने ये द डिज़ाइन कार्ड की चेन ली है, ये बहुत ही सुंदर है, इसी से मैं शुभ और लाभ लिखूंगी। दिस टाइम आई थॉट आई जस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो यहाँ पर मैंने इससे ही शुभ और लाभ लिखा है, काफ़ी ब्यूटिफुल लग रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू लेना है ताकि ये इस ज्वेलरी को अच्छे से स्टिक कर पाए बेस पे। अब आपको क्या करना है, से ये एनहांस नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ 3D कोन लाइनर लिया और उसी से मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर लिया। नाउ सी, ये बिल्कुल चेंज हो गया ना, तो इसी तरह से आप भी हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बेसिक चीज़ें और अपने घर पे ही शुभ और लाभ बना सकते हैं। अब मैं इन दोनों को डालूंगी मेरे झरोके के अंदर एंड दिस इज हाउ आ ब्यूटिफुल झरोका इज लुकिंग। अब झरोके को हम थोड़ा सा और फिनिश करने के लिए ये कुछ बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे, दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस। इफ़ यू हैव 3D कोन लाइनर, इफ़ यू नो हाउ टू मेक डिज़ाइन, यू कैन मेक दी सिंपल फ्लावर वाले डिज़ाइन, नहीं तो आप पोलका डॉट भी बना सकते हैं। और डू लेट मी नो आपको ये मेरा सुंदर सा शुभ और लाभ का झरोका कैसा लगा। आप इसको अपने घर की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, घर के अंदर भी लगा सकते हैं और इसको हम लाइट अप करेंगे ये बैटरी के दियो से। एंड डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट बॉक्स फ्रॉम इट्स ए बिट्सी बाय अनायशा, शी हैंडेड ओवर टू मी। सो ये है बहुत ही सुंदर लिप एंड आर्ट का किट, विच इज़ लाइक सो गुड। इफ़ यू वॉन्ट टू गिफ्ट दिस टू समवन हु इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव बट डोंट नो वॉट टू बाय, हाउ टू बाय एंड एवरीथिंग, सो दिस किट हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एज यू कैन सी इन हियर। और हम बनाएंगे सुंदर सा लिप एंड आर्ट, सो इसमें सब कुछ ही अवेलेबल है। सबसे पहले इसके अंदर शेप इट है, तो शेप इट क्ले होती है, सेम जैसे शिल्पकार क्ले है वैसी ही है ये। इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए और ये आपको अराउंड 15 से 20 मिनट देगा काम करने के लिए। सो आप थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। तो हमने कुछ इस तरह से सर्कल सर्कल में मैंने ये क्ले स्टिक कर दी है और इसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दे दिया है। दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस बट आई वॉन्टेड टू डू इट समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, तो मैंने इसमें अलग अलग से पैटर्न दे दिए। ये आप पेन से, पेंसिल से, जो भी आपके पास चीज़ें टूल्स अवेलेबल हैं आप उनसे बना सकते हैं। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई मैंने इसके ऊपर लगा लिया चॉक पेंट और फिर हम इसे अलग अलग कलर से एनहांस करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास जो जो कलर्स थे मैं उनसे इनहांस कर रही हूँ। इस किट के अंदर आता है येलो, ब्लू एंड वाइट, तो मैंने इसमें 2-3 कलर्स और ऐड ऑन कर लिए, थोड़ा सा ऑरेंज और रेड भी ऐड ऑन कर लिया। एंड यू कैन यूज़ माय कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम इट्स ए बिट्सी, तो जो भी आप खरीदेंगे उसमें आपको 5% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड बिफोर अप्लाइंग द मिरर यू हैव टू रिमेंबर दैट टू अप्लाई वार्निश उसके बाद, क्योंकि हम वार्निश नहीं लगा पाएंगे। सो उसके बाद मैंने ले लिए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप के मिरर, कुछ इस किट के ही अंदर आए हैं और कुछ मेरे पास पहले के पड़े थे, तो जो भी मुझे जहाँ पर अच्छा लगा मैंने उन्हें
वहाँ स्टिक किया। स्टिक करने के लिए यहाँ मैंने नॉर्मल ग्लू लिया है, आप कोई भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए, बट ट्राई टू सी कि आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा ग्लू ना लें जिससे मिरर का कलर ही ख़राब हो जाए। तो बेस हमारा एक बार रेडी हो जाता है, फिर साइड में मैंने ये चेन लगा ली है एंड आवर बेस इज़ लुकिंग सो गुड। और उसके बाद मैंने 3D लाइनें से इसे थोड़ा सा और एनहांस किया है, थोड़े से डॉट लगा लिए हैं और बीच में कुछ इस तरह से फिनिश करके दिस इज़ हाउ आवर ब्यूटिफुल वॉल पीस इज़ लुकिंग। डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आपको सबसे अच्छा DIY इसमें से कौन सा लगा? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।